हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? मौसम मौसम एकदम देखो कितना तगड़ा हो रहा है ना? तो पढ़ाई वढ़ाई मस्त करते रहो, ऐसे चीज़ों को कवर करते रहेंगे और धीरे धीरे अपन ऑर्गेनिक को एकदम ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? बस आपको जुड़े रहना है, पेशेंस रखना है और चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। क्लियर? तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, कुछ आपको ध्यान आ रहा है? क्या पढ़ा था? एरोमेटिक सिटी। और मैंने ये पहचानना बताया था कि कैसे एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ, चलिए शुरू करिए, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, अगर मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात की जाए और मेरे पास कुछ कंपाउंड गिवन हो, जैसे ये कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है और जैसे ये कंपाउंड है। मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा इन तीनों में मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो मुझे समझाओ। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बताया था मैंने आपको, एरोमेटिक सबसे ज्यादा होता है, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन बच्चों एंटी एरोमेटिक। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो कैसे मैं यहां पर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानता हूं, ये आप अच्छे से सीख चुके हो। मुझे बताओ पहला कंपाउंड क्या है? दो दो चार और दो छह, 6 pi electrons, इट मींस इट इज एरोमेटिक। 2 and 2 4 pi, लेकिन पूरे में रेजोनेंस नहीं है बच्चों, और पूरे में रेजोनेंस नहीं है, विच इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं, 2 and 2 4 साइक्लिक एंड होल डीलोकलाइजेशन, पूरे में क्या है? रेजोनेंस है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 4 pi electrons, और 4 pi electrons को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? एंटी एरोमेटिक। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे अच्छा कौन होगा? 1 फिर 2 देन 3। तो इस तरीके से आपसे वो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है। मैंने आपको बताया था एक क्वासी एरोमेटिक, आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको क्वासी एरोमेटिक समझाया था। क्वासी एरोमेटिक क्या था बच्चों? वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज बिलोंग टू एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। जैसे ये, अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है? मैंने आपको बताया था कार्बोनिल को कैसे तोड़ना है बच्चों, कार्बन को पॉजिटिव और ओ को नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने देखा था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे बताओ कि ये क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं? क्या बच्चों मुझे देख के समझ में आएगा दिस इज एंटी एरोमेटिक? क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहे हैं? ध्यान दो, क्या मैं देख सकता हूं 2 and 2 and 0 कितने होते हैं? 4 pi electrons, और 4 pi electrons को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एंटी एरोमेटिक। तो चलिए मैं यहां पर कंपाउंड बनाता हूं, आप मुझे स्टेबिलिटी बताएं। सबसे पहले ये है, देन ये है, एंड देन ये है। क्लियर? आपको बताना है 1, 2 and 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं और मुझे बताएं यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताएं बच्चों। क्या मैं देख सकता हूं कि यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से क्या ये 2 pi electron है, और 2 pi electrons क्या होते हैं बच्चों? एरोमेटिक। यहां पर देखें पूरे में रेजोनेंस नहीं है, क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। यहां पर देखें नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, वैसे ये बॉन्ड टूटा था, बताएं मुझे इसकी वजह से ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अब आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, सीख चुके हैं आप स्टेबिलिटी ऑर्डर, एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बच्चों इतना अनस्टेबल होता है कि ये एक्चुअल में क्या करता है, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि एंटी एरोमेटिक एक्चुअल में करता क्या है। जब ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है तो ये क्यों अपने आप को चेंज नहीं करता? तो आपको मैं अब बताऊंगा कि ये कैसे एक दूसरे से चेंज होते हैं और अपने आप को अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है,
ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतना अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, सिंपल। तो ये क्या करता है बच्चों, ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ एक दूसरे से डाइमराइज फॉर्म करते हैं। डाइमराइज का मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा इससे जुड़ेगा और ये बॉन्ड टूट के इससे जुड़ जाएगा। तो बताओ मेरे पास फाइनल फिगर क्या आ जाएगा, फाइनल फिगर मेरे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये कंपाउंड क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक। तो आपने देखा कैसे एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चेंज हुआ, क्योंकि नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, एंटी एरोमेटिक से। इसका मतलब ये प्रोसेस मैं कह सकता हूँ फिजिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, फिजिबल प्रोसेस, फिजिबल है, ये प्रोसेस हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कभी भी कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे में डाइमराइज करते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमराइज करते हैं, और डाइमराइज करके अपने आप को अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, अच्छी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपको ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहीं पर ये टॉपिक अपन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया अपन ने, कि कैसे अपन एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे थे, कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से रिजॉल्व कर रहे थे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन, और आगे अपने पास ऑर्डर आने वाला है, एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, या इसी को हम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्या बात क्लियर हो गई भाई, समझ में आया आपको कैसे हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं? सिंपल सी कहानी है बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो मुझे बताएं यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले ये समझें, आपके पास क्वेश्चन आएगा दो तरीके के बॉन्ड हैं, मुझे बताइए किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है और किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। मतलब क्या हुआ कि किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और किसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये मुझे पूछा जाता है। तो जैसे एक फिगर में आपको बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ये एच ए बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, सी एच का, ये एच ए बॉन्ड है मान लीजिए, और इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं ये एक बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एच बी बॉन्ड, ये क्या है, एच बी बॉन्ड है, और कंपेयर करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहली चीज है कि यहां पर बॉन्ड टूटता है तो हमेशा क्या फॉर्म होता है बच्चों, रेडिकल फॉर्म होता है। अब किसी ने कहा क्यों रेडिकल क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कभी भी बॉन्ड अगर टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड, क्या ये सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आप हमेशा ध्यान रखें, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड जब हम तोड़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, और जब बहुत ज़्यादा हीट देते हैं बच्चों तो हमेशा फॉर्म होता है रेडिकल। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एच ए बॉन्ड को ब्रेक करूं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, रेडिकल, और ये एच बी बॉन्ड होगा। इसी तरीके से मैं अगर एच बी बॉन्ड को ब्रेक करूं तो बताएं ये एच था, यहाँ एच बी बॉन्ड को ब्रेक करूं तो रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, एच बी। अब सिंपल सी कहानी समझो, मैं तुम्हारे से बोलूं कि यार ऐसा करो, ये काम कर दो और तुम्हें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, तुम क्या सोचोगे कि मैं बहुत जल्दी काम कर दूंगा, सही बात है, मैं तुमसे बोलूं यार ये काम कर दो यार सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, क्या सोचोगे कि सर आप बताओ क्या काम करना है, आप तो बताओ। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैं बोलूं कि आप टूट जाओ
आपके टूटने से मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है या स्टेबिलिटी पूरे कंपाउंड को मिल रही है, तो आप इजिली टूट जाओगे। आप इजिली टूट जाओगे का मतलब हुआ आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट है टूटने के लिए। इसका मतलब अगर मैं क्या करूं, एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दूं और स्टेबिलिटी ऑर्डर का रिवर्स कर दूं, तो क्या वो एनर्जी का ऑर्डर आता है? क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो रेडिकल की स्टेबिलिटी आपने पढ़ रखी है। रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? एक तो रेजोनेंस फैक्टर, रेजोनेंस फैक्टर हमेशा सबसे ज्यादा होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। क्लियर बात समझ में आती है? और रेडिकल और पॉजिटिव सेम टाइप से फॉलो होते हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलता है। किसमें? रेडिकल एंड कार्बोकैटायन, बिल्कुल सेम। तो जैसा आप कार्बोकैटायन को सोचोगे वैसा ही आप रेडिकल को सोचोगे। तो मुझे बताओ, एच ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको रेजोनेंस मिल रहा है बच्चों, एच बी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, बल्कि ये डबल बॉन्ड के ऊपर है। और बताओ, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल था, हाईली अनस्टेबल है। और यहां पर बताओ, क्या ये भी हाईली अनस्टेबल होगा? अब मुझे बताओ बच्चों, जब ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या ये अपने आप को टूटने देगा? नहीं देगा। इसका मतलब इसे टूटने में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मुझे बताओ, अगर मैं एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ए इज ग्रेटर देन बी, एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। तो मुझे बताओ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एच बी इज ग्रेटर देन एच। तो सिंपल सी बात समझ में आई? आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले क्या करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो और उसका रिवर्स कर दो। जैसे एक क्वेश्चन और है, आप यहां देखें, आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से, ध्यान दो बच्चों बस। मान लो ये एच ए बॉन्ड है, दिस इज एच बी एंड दिस इज एच सी, मान लो। और मैंने कहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए बी एंड सी, किसकी? एच ए एच बी एंड एच सी। क्या करोगे? सबसे पहले आप इन बॉन्ड्स को तोड़ोगे, सबसे पहले आप इन बॉन्ड्स को तोड़ोगे। और बॉन्ड तोड़ने के बाद आप क्या लगाओगे? आपको पता है कि जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा क्या लगेगा? रेडिकल लगेगा। क्या लगेगा? रेडिकल लगेगा। और मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन है? क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या लिखनी होती है? स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ, रेजोनेंस हो रहा है किसी में? ए में हो रहा है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। बी जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर है। और एक है सिंगल बॉन्ड, उसके ऊपर है, क्योंकि रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा है और रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकता हूं एच सी इज ग्रेटर देन एच बी। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? अब मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना आ गया, तो क्या अब मैं एनर्जी ऑर्डर लिख सकता हूं? एनर्जी ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताओ? एच बी एच सी एच ए। यहां से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि यार ये बहुत अनस्टेबल बनेगा, बहुत अनस्टेबल बनेगा, तो इसको तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये थोड़ा बहुत स्टेबल बनेगा, इसलिए इसको थोड़ी बहुत एनर्जी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? नोट कर ले बच्चों इसे। ये कॉन्सेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ये कॉन्सेप्ट किसका है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा और आप उनके आंसर मुझे बताओगे। चलिए, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके लिए। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अपन आसानी से समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सीख लेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करना है? पहले आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने के बाद
आपको उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए, यहां मैंने दे दिया एच ए बॉन्ड, यहां मैंने दे दिया एच बी बॉन्ड और यहां मैंने दे दिया एच सी बॉन्ड। चलिए बच्चों, फटाक से मुझे बताइए एच ए, एच बी और एच सी में ऑर्डर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करिए फटाक से। पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करना है, पहले रेडिकल को बनाना है। रेडिकल बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है रेडिकल बनाने का तरीका क्या होता है, बॉन्ड तोड़ो और रेडिकल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। एच ए, एच बी, एच सी एंड थर्ड क्वेश्चन इज, ये तीन क्वेश्चन कर लो आप एकदम अच्छे से सीख जाओगे कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। एच ए है, दिस इज एच बी एंड दिस इज एच सी। चलिए ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करें और तीन क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे से सीख जाने वाले हैं कि यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। क्या पहला पॉइंट है बॉन्ड को तोड़ना है और रेडिकल लगाना है, बॉन्ड को तोड़ना है रेडिकल लगाना है, बॉन्ड को तोड़ना है रेडिकल लगाना है, किसी में रेजोनेंस नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड पे है। तो अगर स्टेबिलिटी में देखूं तो मैं स्टेबिलिटी किससे देख सकता हूं, कल मैंने आपको सिखाया था, ध्यान रखो प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या बताया था आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शरी पे है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो सबसे स्टेबल हो गया एच ए। यहां सेकेंडरी पे है, ये प्राइमरी पे है, सेकेंडरी कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होता है तो सेकेंडरी रेडिकल भी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होगा। एच बी देन एच सी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। एनर्जी का ऑर्डर बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल, एच सी, एच बी और एच ए। दिख भी रहा है सबसे अनस्टेबल रेडिकल कौन सा बन रहा है, एच सी, इसलिए इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, फटाक से करिए, कोशिश करिए भाई, कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा, गलत हो रहा है होने दीजिए। क्या करना है, रेडिकल लगाना है, सबसे पहला काम रेडिकल लगा लो और रेडिकल लगाने के बाद हर एक रेडिकल को देखो और बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या किसी में रेजोनेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, किस में, एच ए में। एच सी बहुत, सॉरी एच बी हाईली अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर है, एच सी, सॉरी एच बी, यहां एच सी कर लो यार इसको, ठीक है। एच बी की बात करें तो एच बी रेजोनेंस नहीं कर रहा है लेकिन ये सिंगल बॉन्ड पे है, एच सी रेजोनेंस नहीं कर रहा है लेकिन ये डबल बॉन्ड के ऊपर है और डबल बॉन्ड के ऊपर हाईली अनस्टेबल होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो मुझे बताओ यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा एच बी देन एच सी, तो मैं एनर्जी ऑर्डर लिख सकता हूं एच सी, एच बी एंड एच ए। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले काम करोगे बॉन्ड ब्रेक करोगे, रेडिकल फॉर्म करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, रेडिकल फॉर्म करोगे। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन है, स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे है, ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पे और ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मुझे बताओ पॉजिटिव या रेडिकल को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं चाहिए, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर है एच बी, एच सी, एच ए। डबल बॉन्ड कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो स्टेबिलिटी आ गई तो बताओ बच्चों एनर्जी क्या होगी, रिवर्स कर दो और रिवर्स करने पे समझ में आएगा एच ए, एच सी, एच बी। क्या क्लियर, बात समझ में आ गई भाई, समझ में आता है कि कैसे यहां पर हम प्रोसीजर को लिख रहे हैं। तो यहां पर ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें और बहुत बढ़िया से आप यहां पर सीख जाएंगे। क्लियर हो गया, तो चलिए बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को आप मुझे बताएं कि यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। जैसे कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ रेडिकल एल्कीन और कार्बोकटायन में फॉर्म होता था, कार्बोकटायन में प्रोसेस होता था, पक्की बात है।
इन तीन प्रोसेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती थी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, पक्की बात। चलिए एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे मैं काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और आप मुझे बताओ कि यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, फटाक से बताना बच्चों। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, जैसे वन है, टू है और थ्री है, जल्दी से बताएं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसे नाम देते हैं बच्चों ट्रांस टू ब्यूटीन, इसे नाम देते हैं सिस टू ब्यूटीन और इसे नाम देते हैं आइसो ब्यूटीन। नाम ध्यान रखिएगा वरना क्वेश्चन गलत कर देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो पहले आप पहला क्वेश्चन करें जो कि बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपल स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। किस पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। कैसे काउंट करते थे अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन से जुड़े कार्बन अल्फा कार्बन और उनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन, टोटल हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आता है, तीन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, टोटल हो गए 10 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आता है। इससे बात करें तो एल्कीन से जुड़ा कौन सा कार्बन है, ये और ये, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ दो होगा, क्या लिख सकता हूँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रेजोनेंस और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। आंसर इज 2, 1, 3। क्लियर बात है, क्या पूछा था ये, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। चलिए नोट कर लें इसे। सेकेंड क्वेश्चन बताएं क्या आएगा ऑर्डर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दो। अगर आप अल्फा काउंट करो तो सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, सबके सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान आ करो, ध्यान दो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। सबके सब के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या करें यार, अब यहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट है जो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ोगे, सिस और ट्रांस के बीच, अगर ये 1 है ये 2 है और ये 3 है। तो बच्चों सिस और ट्रांस में क्या होता है, इनकी डिस्टेंस की बात करो तो ये क्या है, पास पास है, इनकी डिस्टेंस की बात करो तो ये क्या है, दूर दूर है। तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, इनमें रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पास पास बल्कि ग्रुप लगे हैं तो रिपल्शन ज़्यादा करेंगे, दूर दूर बल्कि ग्रुप लगे हैं तो रिपल्शन कम करेंगे। इसका मतलब 1 is greater than 2 है, ये तो कन्फर्म है। बात आती है 3 की, तो ध्यान दो जरा 3 में होता क्या है। क्या मैंने आपको कल एक चीज़ समझाई थी बच्चों, और वो क्या चीज़ थी कि जब हम एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन करते थे तो क्या करते थे, हाइड्रोजन निकलता था, हाइड्रोजन निकल के क्या लगता था, नेगेटिव, और नेगेटिव रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी को क्या करता था, गेन करता था। क्या रेजोनेंस करके ये बनेगा बच्चों, सही बना रहा हूँ, यहाँ रेजोनेंस होगा तो सोचो नेगेटिव लगेगा, रेजोनेंस करेगा तो क्या, रेजोनेंस करने के बाद ये यहाँ बन जाएगा। मुझे बताओ बच्चों, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है और रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये एनायन है 1 degree anion और ये भी है 1 degree anion। एनायन को कभी भी इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए क्या, बताओ मुझे, एनायन को हमेशा खींचने वाले ग्रुप चाहिए, इसीलिए स्टेबिलिटी होती है 1 degree anion की सबसे ज़्यादा, देन 2 degree then 3 degree। और कार्बोकैटायन में क्या होता है, 3 degree सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको हमेशा देना होता है, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन खाली है, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए 3 degree then 2 degree then 1 degree। किस केस में, कार्बोकैटायन, और कार्बो एनायन में 1 degree then 2 degree then 3 degree। तो मुझे बताओ अगर मैं इसके बीच में देखूं तो ये क्या 1 degree से 1 degree जा रहा है, लेकिन ये 1 degree से 2 degree जा रहा है, बताओ स्टेबल कौन है, 1 degree या 2 degree, 1 degree। इसका मतलब आइसोब्यूटीन सबसे ज्यादा स्टेबल आता है इन तीनों में, इसीलिए ऑर्डर 3, 1, 2 आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिपल्शन फैक्टर है, ट्रांस ज्यादा अच्छा होता है, सिस कम स्टेबल होता है, लेकिन आइसो इन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि
जो नेगेटिव लगता है वो 1 डिग्री से 1 डिग्री आता है और यहाँ 1 डिग्री से 2 डिग्री जाता है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन स्टेबल? 1 डिग्री, इसीलिए आइसोब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नोट कर ले बच्चे इसे। तो समझ में आ गया आपको, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कल के कॉन्सेप्ट पे अपन बेसिस थे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन सीख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ और वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिए क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, या इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और इसको इस तरीके से डोनेट करते हैं, इस तरीके से डिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो डिनोट करने का तरीका क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का HOH। क्लियर? क्या होता है ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर हाइड्रोजन को जुड़ना है, ध्यान दीजिए बच्चों, हाइड्रोजनीकरण का उस मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन के जुड़ने में जो हीट निकल रही है वही है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। समझ में आता है? ध्यान दो, अगर मेरे पास मान लो एक एल्कीन है और एक जगह मेरे पास है 2 एल्कीन है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या मैं समझ सकता हूँ कि एक एल्कीन है तो एक जुड़ेंगे थोड़ी एनर्जी निकलेगी, दो जुड़ेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी? इसका मतलब मैं सबसे पहला पॉइंट में लिख सकता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसका ज़्यादा होगा। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक पाई बॉन्ड पे H2 जुड़ना है तो कम एनर्जी लगेगी, दो बॉन्ड पे I2 जुड़ना है तो इनको तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड लगी। अब रिक्वायर्ड हुई तो वही क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। क्या पहला पॉइंट समझ में आता है? दूसरे पॉइंट को ध्यान दो, मान लो अगर मेरे पास ये एल्कीन है और ये एल्कीन है, लेट सपोज, मुझे बताओ अगर ये एल्कीन टूटती है क्या ये स्टेबल एल्कीन है? दिख रहा है मुझे क्या ये अनस्टेबल एल्कीन है? लेकिन सोचो अगर ये मैं तोड़ना चाहूंगा तो क्या ये टूटना चाहेगी? नहीं, क्योंकि पहले से ही अनस्टेबल है, ये क्यों टूटना चाहेगी? नहीं टूटना चाहेगी। लेकिन जो स्टेबल है वो तो टूट सकता है भाई, इसको पता है कि अगर ये टूटेगा तो कार्बोकैटायन अच्छा बनेगा, ये टूटेगा तो कार्बोकैटायन कम अच्छा बनेगा। बताओ जल्दी कौन टूटेगा? ये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इसमें एनर्जी कम लगेगी, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, तब क्या करते हैं बच्चों? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या सही बात है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्यों ऐसा हुआ? फिर से देखो, अगर ये टूटता है तो इसका पॉजिटिव अच्छा नहीं बनेगा और ये टूटता है तो इसका पॉजिटिव अच्छा बनेगा। मुझे बताओ जल्दी कौन टूटना चाहेगा? ये, क्योंकि ये इसके बाद टूटने के बाद भी क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है, लेकिन ये टूटने के बाद अनस्टेबल हो रहा है। तो बताओ ये टूटना चाहेगा? नहीं टूटना चाहेगा। इसका मतलब बच्चों एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी? जो लेस स्टेबल होगा। इसीलिए मैंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कब? जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो सोचना ही नहीं है, जिसमें ज्यादा है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। लेकिन जिसमें हाइड्रोजिनेशन पाई बॉन्ड सेम है उसमें हमेशा ध्यान रखना बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर के रिवर्स लिखना होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अपोजिट होता है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मैंने मान लीजिए यहां पर 2 एल्कीन लगा दी, यहां मैंने 1 एल्कीन लगा दी और यहां भी मैंने 1 एल्कीन लगा दी। अब मेरा क्वेश्चन है 1, 2, 3 में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 वाले को अगर आप ध्यान से देख रहे हो
तो वन में पाई बॉन्ड ज्यादा है, दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ दो पाई है, यहाँ वन पाई बॉन्ड है, यहाँ भी वन पाई बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूँ सबसे स्टेबल तो वन होगा, कन्फर्म। समझ में आता है? अगर मैं टू और थ्री की बात करूं तो टू और थ्री में अगर आप सोचो तो टू में बताओ एक पाई बॉन्ड है और यहां भी एक पाई बॉन्ड है। तो जब पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। इसीलिए बच्चों कौन कम स्टेबल है वो पहले आएगा और जो ज्यादा स्टेबल है वो बाद में आएगा। स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां अल्फा हाइड्रोजन है 3, 2, 5 और 2, 7 अल्फा। यहाँ अल्फा है 3, 3, 6, 2, 8 and 2, 10 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कौन कम स्टेबल है? 2, इसलिए 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। क्या समझ में आ गया? तो पहले आप देख लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पाई बॉन्ड सेम आते हैं तब आप हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी करोगे। इसीलिए 2 पहले आया और 3 बाद में आया। नोट कर लो बच्चों इसको, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं अगर यहीं पर ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता जो अभी मैंने आपको सिखाया है, 1, 2, 3 क्या बताना है आपको? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जल्दी बताएं बच्चों, पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए आपसे पूछा गया 1, 2, 3 में क्या पूछा गया? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जल्दी से दोनों क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन में मुझे ये बताएं बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बता रखा है स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आपको ध्यान होगा, और रीजन भी बताया था क्या होता है, 3, 1, 2। तो बताओ इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? 2, 1, 3। समझ में आ गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, एक एक पाई बॉन्ड है, कहीं दो तो है नहीं, अब एक एक पाई बॉन्ड है तो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हमें पता है सबसे ज्यादा होती है आइसोब्यूटीन, फिर ट्रांसब्यूटीन और फिर सिस ब्यूटीन। क्लियर है? ये क्वेश्चन करें, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब बच्चों सबसे पहले तो 2 आएगा, इतना कन्फर्म है। कन्फर्म? 1 और 3 में कैसे पहचाने? 2-2 पाई बॉन्ड है, कैसे निकालोगे स्टेबिलिटी? ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है पहले में रेजोनेंस है, पाई सिंगल पाई रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी आएगी। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। इट मींस 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1। क्या किया इसमें मैंने? 1 और 3 में आपको पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, रेजोनेंस है तो ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए बाद में आया, रेजोनेंस नहीं है तो कम स्टेबल हो गया इसके लिए पहले आ गया, और ये 3 पाई बॉन्ड है सबसे ज़्यादा होना ही था। क्लियर? बात समझ में आती है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया बताइए मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आता है? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला जल्दी से मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 1, 2, 3 क्या निकालना है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दोनों क्वेश्चन करते हैं और इस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या देखोगे आप? पाई बॉन्ड। सबसे पहले आप क्या देखोगे? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है? 2 पाई बॉन्ड और इसमें 3 पाई बॉन्ड है बच्चों, और 3 पाई बॉन्ड है तो बिना सोचे 3 तो सबसे पहले आएगा। अब बात आती है 1 और 2 में, बहुत ध्यान देना है बच्चों, बहुत ध्यान देना है। ये मत सोचना कि इसमें भी रेजोनेंस है इसमें भी रेजोनेंस है। कैसे देखें? अरे यार ये है एंटी एरोमेटिक, क्या भूल गए? अभी पढ़ाया था कुछ एक लेक्चर पहले,
और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। और कम स्टेबल है तो बच्चों ये पहले आएगा, क्योंकि जब पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। इसका मतलब 3 के बाद 1 एंड देन 2। कितना इजी हो गया, देखिए करते रहिए बच्चों, करते रहेंगे कभी भी आप हारोगे नहीं, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ सीख रखा है इसलिए कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूं जिससे कि थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो। अपन को क्वेश्चन बल्क में नहीं करने, अपन को क्वेश्चन वैरायटी में करने हैं। हर वैरायटी अपने को आनी चाहिए, हर वैरायटी के कॉन्सेप्ट को अपन को समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1 है 2 है और 3 है, मुझे बताएं सबसे पहले क्या काउंट करोगे, पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड। इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड है तो ये तो सबसे कम होगा भाई, 4 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड पहले आएंगे, इसका मतलब 1 तो सबसे कमजोर होगा, सबसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा क्योंकि पाई बॉन्ड ही कम है। 4 पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड क्या देखते हो, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि जब पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या याद आ रहा है भाई, ये क्या था, टब शेप, और टब शेप में क्या होता है, नॉन प्लेनर, और इसलिए इसको बोलोगे नॉन एरोमेटिक। क्लियर, समझ में आता है। इसे क्या बोलोगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। मुझे बताओ कौन 2 और 3 में अनस्टेबल कौन ज्यादा है, ये, और जब कम अनस्टेबल ज्यादा है इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब पहले कौन आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, 3, देन आएगा 2। क्लियर बात समझ में आती है, तो आंसर होगा 3 2 1। नोट कर ले बच्चों इसे, और इस तरीके से हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कंप्लीट कर लिया है। क्लियर, समझ में आता है। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर आता है बच्चों, और उसका नाम है हीट ऑफ कंबशन। क्या नाम है उसका, हीट ऑफ कंबशन, इसको हिंदी में कहते हैं दहन की ऊष्मा। क्या बोलते हैं, दहन की ऊष्मा। तो क्या बोला मैंने, अगला टॉपिक है यहां पर हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन का अगर बात करें मतलब क्या हुआ, दहन की ऊष्मा, मतलब कंबशन प्रोसेस बहुत फेमस प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ध्यान दो, जब भी किसी एल्केन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो यहां हमेशा CO2 गैस निकलती है और बच्चों वाटर रिलीज होता है। क्या सही बात है, ये प्रोसेस हम सब ने पढ़ रखा है, ये हमें पता है, दिस इज कंबशन प्रोसेस, दिस इज दहन की रिएक्शन बोलते हैं, दहन का प्रोसेस बोलते हैं। तो बताइए कंबशन प्रोसेस में मैं आपसे पूछूं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कहां ज्यादा हीट लग रही है और कहां कम हीट लग रही है, मुझे कैसे पता लगेगा, सोच में आ रहा है कुछ, सोचो अगर CO2 गैस रिलीज हो रही है, एक प्रोसेस हो रहा है और उसमें हम एल्केन डालते जा रहे हैं, एल्केन को फिलअप करते जा रहे हैं और प्रोसेस चलता जा रहा है, CO2 गैस एक धुएं के रूप में निकलेगा, इसका मतलब मैं कैसे बताऊंगा कि जलन कहां ज्यादा हो रही, कौन ज्यादा जल रहा है, किसमें हीट ज्यादा हो रही है, तो जिसमें धुआं ज्यादा निकलेगा उसमें हीट ज्यादा लगेगी, सही बात है। और धुआं किसमें ज्यादा निकलेगा, जिसमें CO2 ज्यादा बनेगा, और CO2 किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन पे, क्यों, जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उतने टाइम से तो CO2 बनेगा। इसका मतलब मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बिल्कुल इजी हो गया, कार्बन की संख्या गिनो, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। और यहां दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। सेम वही चीज है, आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या देखा, पाई बॉन्ड ज्यादा थे, क्यों, क्योंकि वो पाई बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
कंबशन प्रोसेस क्या है, CO2 रिलीज हो रही है, और जितना CO2 रिलीज होगा ये ट्रीटमेंट किस पे करेगा, कार्बन पे, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन बहुत है, भयंकर तरीके से है, लेकिन कार्बन जितने ज़्यादा हम फिलअप करेंगे उतना ज़्यादा CO2 गैस रिलीज होगा। तो मुझे बताओ क्या मैं वन और टू पॉइंट अच्छे से समझ गया? वन पॉइंट कुछ है ही नहीं, जितने ज़्यादा नंबर का ऑफ कार्बन एटम उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। सेकेंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होता है, सेम वही प्रोसेस। जैसे एग्जांपल देखें बच्चों, क्या आपने सीख रखी है एक चीज, मुझे बताएं इन तीनों में हीट ऑफ कंबशन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा? तो मैंने क्या बताया, हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है। यहाँ कितने कार्बन है बच्चों, दिख रहा है 5 कार्बन है, यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 4 कार्बन है, और यहाँ पर बच्चों 6 कार्बन है, इसका मतलब ऑर्डर आएगा 2, 1, 3। क्लियर हो गया? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो अपन ने सीखा कि हीट ऑफ कंबशन कैसे हम यहाँ पर निकालते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं यहीं पर, इसके एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको चीजों को और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो जैसे सुनिए, अगर मैं आपको बोलूं रिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ रिंग कैसे पहचानते हो कि किस कौन से रिंग ज्यादा स्टेबल है, कौन से रिंग कम स्टेबल है? तो बच्चों रिंग में अगर आपको बात करें तो सबसे स्टेबल रिंग आती है 6 मेंबर, देन आती है बच्चों 5 मेंबर, देन 4 मेंबर, एंड देन 3 मेंबर। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर, 7 मेंबर भी 6 मेंबर से कम स्टेबल होती है, ध्यान रखना बच्चों। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर। और यहां पर हम बात करते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, अगर एंगल स्ट्रेन की बात करें तो मुझे बताओ जितनी छोटी रिंग होगी उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, उतना ज्यादा वो फैलना चाहेंगे, सही बात है? तो जितनी ज्यादा छोटी रिंग होगी उसमें एंगल स्ट्रेन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और स्ट्रेन आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात वो कम स्टेबल हो जाएगी, सही बात है? समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल करें और हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन मुझे बताएं। एक जगह दिया है 6 मेंबर, एक जगह दिया है 5 मेंबर, और एक जगह दिया है 4 मेंबर। क्या मुझे पता है, सबसे पहले हम देखते हैं किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, कार्बन एटम ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा, लेकिन बच्चों यहां भी 6 कार्बन है, यहां भी 6 कार्बन है, और यहां भी 6 कार्बन है, सही बात है? तो बताओ स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3, 2, 1, क्योंकि सबसे कम स्टेबल कौन सी रिंग है, 4 मेंबर। क्लियर बात समझ में आई? इसीलिए हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकेंड चीज एक जानो मेरे बच्चों, अगर कभी भी कोई लीनियर मॉलिक्यूल है और कभी भी कोई ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है, जितना ज्यादा ब्रांच मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, वॉन्डर वॉल रिपल्शन होगा, वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, और जिस रिपल्शन की वजह से, हमेशा ध्यान रखिएगा, लीनियर मॉलिक्यूल ऑलवेज स्टेबल देन ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा वो कम स्टेबल होगा। समझ में आता है बात? तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें, लीनियर मॉलिक्यूल हमेशा ब्रांच मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहीं पर मेरा क्वेश्चन होता है 1, 2, 3 में, फाइंड द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, क्या बताते आप, क्या सब में 5-5 कार्बन है, क्योंकि कार्बन सबसे पहले आप गिनोगे, सब में 5-5 कार्बन है। अब सब में 5-5 कार्बन है तो मुझे बताओ कौन है जो कम स्टेबल है और कौन है जो ज्यादा स्टेबल है? क्या लीनियर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ब्रांच मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा? और ब्रांच मॉलिक्यूल है कौन सा बच्चों, सबसे ज्यादा ब्रांच कौन है, 3, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, इसका मतलब सबसे पहले हीट ऑफ कंबशन आएगा उसका ज्यादा। क्लियर? क्योंकि मैंने बताया कार्बन सेम होते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। वन और टू की बात करें बच्चों, तो वन और टू में वन ब्रांच्ड है और टू विदाउट ब्रांच है, लीनियर है, इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा तो ये पहले आएगा,
और ये बाद में आएगा। क्लियर है, नोट कर ले बच्चों। तो इस तरीके से हमने हीट ऑफ कंबशन को बहुत अच्छे से सीखा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को बहुत अच्छे से सीखा, और अपन ने इससे पहले सीखा था एरोमेटिक से रिलेटेड सारी बातें। तो चलो यहीं पर ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे और उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो धीरे 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 चीज़ों को कवर करते रहो, पढ़ते रहो, और मैं सुभाष यादव आपके साथ लगा रहूँगा। क्लियर है बच्चों? तो समर्पण परिवार के साथ जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।